अभी टर्म एंड कंडीशन क्या होने वाली है, आज के दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है और आज से भाई क्या हाल है, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब यहां पे अच्छे होंगे और भाई अच्छे होने भी चाहिए, जब तक दोस्तों हम आपके साथ में हैं तब तक तो भाई कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही स्पेशल बनने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं शक्ति मांझे के ऊपर गिवअवे निकालने वाला हूं, अभी मजा आएगा ना वीडियो। लेकिन उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन थी जो कि मैंने उस वीडियो में बोला था कि इस वीडियो पे आपने अगर 100 कमेंट्स कर दिए तो भाई मैं ये गिवअवे निकाल दूंगा। ये मैंने कहा था, नहीं कहा था? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मैं उसी गिवअवे को लेके आपके सामने आ गया, नहीं आ गया? जब हम अपनी जबान के पक्के हैं तो भाई आप भी तो कुछ पक्के बनाओ। तो भाई पक्के कैसे बनना है अभी वो आप दोस्तों आगे की तरफ समझेंगे सारी चीजें को, ठीक है ना। लेकिन भाई एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि मैंने जैसे ही गिवअवे का नाम लिया 2 घंटे के अंदर अंदर भाई 100 कमेंट कर दिए। मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि भाई 2 दिन के अंदर 100 कमेंट कर दोगे तो ठीक है मैं कर दूंगा, अगर नहीं करे तो नहीं करूंगा। लेकिन लोगों को ये देखो कि 2 घंटे के अंदर ही कर दिए भाई। फ्री की चीज किसे पसंद नहीं है, सभी को पसंद है। और दोस्तों दूसरी बात ये कि आप सभी का प्यार बहुत मिल रहा है, आप सभी को भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज इस मांझे का गिवअवे होने वाला है शक्ति का। अब वो तो भाई कंपनी की तरफ से ही बंद हो चुका है, प्योरली तरीके से बंद हो चुका है, लेकिन मेरे पास रखा हुआ था और मैंने इसको 2 साल पहले परचेज किया था, तो सोचा भाई इसका क्यों ना एक गिवअवे आपके लिए निकाल दिया जाए। और मेरे पास तो रखा ही है, मैं तो इसको यूज़ करता नहीं, कोई यूज़ कर लेगा तो कर लेगा, नहीं करेगा तो भाई उसकी अपनी मर्जी की बात है, ठीक है ना। तो दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा, जो आपकी भाषा में बोला जाता है चाइनीज़ मांझा, चाइनीज़ मांझा, वैसे चाइनीज़ मांझा तो इंडिया से कब का जा चुका है, लेकिन फिर भी कुछ बेबुद्धि लोग बोल देते हैं चाइनीज़ मांझा है भाई, ये चाइनीज़ मांझा है। तो वो चाइनीज़ मांझा नहीं होता, वो प्लास्टिक ओरिजिनल सिंथेटिक मांझे होते हैं। तो अब मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही अपील कर सकता हूँ कि भाई इस चीज़ से दूर रहे, अवेयर रहे, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप चीज़ वो उड़ाओ, और इन लोकल वाले प्लास्टिक वालों को आप यहाँ पे सपोर्ट करो, बिल्कुल भी सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी कंपनी ने बहुत अच्छा धमाका निकाल दिया, आप उसकी तरफ जाओ, गेम चेंजर की तरफ जाओ, इन चीज़ों की तरफ मैं आपको कहूँगा कि भाई ये चीज़ें आप यूज़ करो, तब भी आप प्लास्टिक के मांझे को छूते ही काट दोगे, क्योंकि मैंने अपनी टेस्टिंग में प्रूफ कर दिया है। मुझे भी पहले यकीन नहीं होता था, लेकिन जब प्रूफ किया तभी तो पता लगा, तभी तो मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, है ना। अभी देखते दोस्तों एनर्जी कंपनी और क्या क्या प्रोडक्ट निकालती है, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अभी भी कुछ लोगों के डाउट्स है कि भाई ये गेम चेंजर जो मांझा है ये मतलब क्या है क्या नहीं है। तो भाई जो गेम चेंजर मांझे के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ, ये एक सिलिकॉन का धागा होता है दोस्तों, जो सिलिकॉन होता है, एक होता है सॉफ्ट सिलिकॉन, ये सॉफ्ट सिलिकॉन पे बनाया गया है। आप इसे अपने गले से लगा के भी तोड़ दोगे तब भी ये आराम से टूट जाता है। लेकिन 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 बात आती है कि ये प्लास्टिक का मांझा है, तो भाई मैं कहूँगा नो। आप कहोगे तो भैया प्रूफ करो, तो भाई मैं प्रूफ ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसको जला करके दिखा चुका हूँ। आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो जाके मेरे चैनल पे सर्च करो, जाके देखो, पता लग जाएगा। और हाँ, जिस भाई ने अगर ये प्रूफ कर दिया तो भाई वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, आ जाओ खेलो मेरे साथ और भाई इनाम जीत के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कर पाए तो आप मुझे खुद दे के जाना इनाम। तो भाई गेम चेंजर की तो बात होगी यहाँ पे खत्म, लेकिन अभी एडजी कंपनी ने धमाका उठा रखा है अपने कोटन मांझे को लेकर के, जैसे कि रेड मॉन्स्टर आपको देखने को मिल गया है, थंडर वॉर आपको देखने को मिल गया है। तो थंडर वॉर के भी काफी लोग दीवाने हैं, उनके जो फीडबैक है उनके फीडबैक भी बहुत जबरदस्त निकल के आया है सामने। अरे भाई जब मैं अपनी टेस्टिंग में दिखा रहा हूँ और आप लोग वहाँ पे देख करके वहाँ मुझे जज कर रहे हो, तो फिर मुझे और उसे क्या लेना देना कि भाई कोई उसके बारे में क्या बोल रहा है, कोई उसके बारे में क्या नहीं बोल रहा। लोगों का काम है बोलना, उनको बोलने दो, जो जलते हैं उनको जलने दो, हमारा काम है दोस्तों सही क्या है गलत क्या है वो आप तक पहुंचाना, बात खत्म, सिंपल सी बात है। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं हम शक्ति मांझे को आप गिवअवे के थ्रू कैसे जीत सकते हो, सारी चीज़ ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो अगर कुछ भी मिस करा तो भाई मांझा आपके हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ टर्म एंड कंडीशन नहीं रखने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं रखने वाला। मैं यहाँ पे आपके साथ में सिर्फ नॉर्मली बहुत ही आसान चीज़ें रखूँगा, एक या दो ही रखूँगा, ज़्यादा नहीं रखूँगा, बस आपको वो ही फॉलो करनी है, ठीक है ना। अगर वे चीज़ फॉलो हो जाती है तो भाई आप जीत सकते हो इस ब्रांड को जो कि कंपनी मेरे लिए स्पेशल भेजती है, इस शक्ति मांझे को, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो तो भाई आप गिवअवे के पार्टिसिपेट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से कान लगा के, तो भाई आप में से कोई एक बंदा होगा लकी जो मेरे शक्ति मांझे को लेकर के जाएगा, ठीक है। बात तो सही है, देखते हैं कौन होता है बंदा। दोस्तों टर्म एंड कंडीशन क्या होने वाली है पहले वो सुनिएगा, आपको अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, मतलब इस चैनल की ग्रोथ के लिए कमेंट करना है, ना कि ये आलतू फालतू की बातें बताओ मुझे कि यार ये मांझा बढ़िया है कि वो मांझा बढ़िया है, ठीक है ना। मैं ये सब चीज़ें सुनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें सुनना चाहता हूँ जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें फॉल्स डाउन क्या आ रहे हैं और मुझे कहाँ पे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। मैं जानता हूँ मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि अंदर से ना ये उम्मीद होती है कि और बेटर कर, और बेटर कर, और बेटर कर। जब यहाँ से सब कुछ खत्म हो जाता है तब भाई लोग बताते हैं कि भैया आप इस तरीके से चीज़ें करो, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को और इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी राय दो, तो कमेंट सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट ऐसा करना है जो इस चैनल की ग्रोथ के लिए आगे सक्सेसफुल हो, ठीक। मैं फिर उसी चीज़ पे काम करता हूँ,
एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना। बस दो सिंपल से काम कर रहे हैं ना, तो मैं आपको फेसबुक पे कह रहा हूँ कि मुझे फॉलो करना, मैं आपको इंस्टाग्राम पे कह रहा हूँ मुझे फॉलो करो, या फिर मुझे वहाँ पे कोई पोस्ट में लाइक करो। ये तो फालतू के काम मैं इस वाले गिवे में नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। सिंपल सा गिवे रखेंगे, आसान सा रखेंगे, और रैंडम कमेंट पिकर के थ्रू मैं ये गिवे उठाने वाला हूँ 4 दिन के बाद। अब 4 दिन का मसला क्या है दोस्तों, अभी मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब देख रहे होंगे 27K के आसपास है, पर 4 दिन के अंदर दोस्तों ये 30K हो गए 4 दिन के अंदर, तो भाई ये गिवे 4 दिन के बाद मैं निकाल लूंगा। मस्त प्लान है। अगर 4 दिन के अंदर 30K नहीं हो पाते तो भाई गिवे रुक जाएगा और आपकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता भाई, कुछ पाने के लिए दोस्तों कुछ खोना तो पड़ता ही है, लेकिन ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। समझ में आई ना भाई, मेहनत करोगे जब भी तो कुछ होगा ना। तो भाई ऐसे ये रूल्स अप्लाई होने वाला है इस वाले वीडियो में, 4 दिन के अंदर कर दो तो हो जाएगा, अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं भाई, सिंपल सी बात है अपनी। आई होप दोस्तों आप इस गिवे में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ताकि इस मांझे का आप अपने फेस्टिवल पे मज़ा ले पाए, अगस्त पे, 15 अगस्त पे, रक्षाबंधन पे ज़बरदस्त तरीके से आप धुआं उठा दे, मतलब एक दवा, डेढ़ दवा, दो दवा तक उड़ाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 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 उसके लिए पार्टिसिपेट करो, और ये जो मैंने आपको बताई है कंडीशंस ये फॉलो करो, ताकि जल्दी जल्दी मजा आपके पास में पहुंच जाए, ठीक है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय भारत, वंदे मातरम, ध्यान रखिए अपना।